नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली में जिला पंचायत सदस्य के भी प्रत्याशी मैदान में हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देवा ब्लॉक के सिपहिया ग्राम पंचायत के प्रधान संदीप यादव उर्फ पिंकू भैया मौजूदा प्रधान है और वो इस बार अपनी माता को चुनाव लड़ा रहे हैं। जब प्राइम टीवी की टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि प्रधान के द्वारा काफी विकास कार्य कराया गया है और इस बार भी जनता उन्हीं को समर्थन कर रही है। अगर इस बार वो फिर प्रधान बनते हैं तो ग्राम पंचायत को काफी अच्छा कार्य होगा और बहुत विकास किए जाएंगे। अपने नेक कामों की वजह से जनता के मन में जगह बना ली है। यही वजह है कि इस बार कोई भी उम्मीदवार मैदान में टिकता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बता दें कि कई पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं और विकास के दावे कर रहे हैं और क्या कुछ कहना है गांव की जनता का साफ तौर पर आइए जानते हैं। वहीं साथ ही हमारी प्राइम टीवी की टीम ने प्रधान से भी क्या कुछ बात की आइए वो भी जानते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान प्राइम टीवी की टीम एक बार फिर देवा ब्लॉक के सिपहिया ग्राम पंचायत पहुंची हुई है और हमारे ठीक पीछे यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो प्रधान थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं, क्षेत्र के अंदर 5 साल के अंदर कितना बदलाव कराया गया है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है भाई साहब आपका? ओमकार। कहाँ के रहने वाले हैं ओमकार जी? भैया ये बताइए इस बार गाँव के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं? बहुत अच्छी विकास हुई जी। क्या क्या विकास कार्य हुए? पूरे टोटल नाले हैं जी, खरंजा है। हाँ, कौन है प्रधान, कौन है यहाँ? संदीप यादव जी। कैसा विकास किया 5 साल में? विकास अच्छा किया जी। कोई असुविधा गांव की, कोई समस्या जो? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, पूरी समस्या सब हल है। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? लैट्रिन है, खरंजा है, नाले हैं और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, प्रधान ने क्या काम कराया है 5 साल में? बहुत सारे काम करवाए गए हैं, जैसे गांव में जहां पर लाइट व्यवस्था नहीं थी वहां पर स्ट्रीट लाइटें और बाकी ये सब काम करवाए गए हैं। अभी बढ़िया गांव नालियां बनवाई गई हैं। अच्छा, क्या शौचालय वगैरह मिला आप लोगों को? जी जी, हमारे घर में जी शौचालय मिला है। अच्छा, और विधवा पेंशन वगैरह? विधवा पेंशन ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा, क्षेत्र के अंदर और क्या जो कमियां हैं? अच्छा, इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह का विकास उन्होंने करवाया है हाँ, उससे आसार लगते हैं कि उन्हें फिर दोबारा मौका देगी जनता। अच्छा, दोबारा मौका देगी जी। इस बार क्या मन है कि जन क्षेत्र में किसका वर्चस्व ज्यादा है? ये वर्चस्व तो जैसा जनता ही जान सकती है हाँ, आप भी जनता ही हो, आपका क्या मन है? जैसा उन्होंने काम करवाया है हमारे मन से तो हमारा मतलब समर्थन उनको ही। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं दिनेश जी? सिपहिया गाँव। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 5 साल में क्या विकास हुए? 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं प्रधान के? अच्छे संतुष्ट हैं जी। क्या विकास कार्य कराए गए? लैट्रिन बनी जी और टाइल्स भी लगवाए हैं। अच्छा, नाली भी बनवाए। स्कूलों क्या व्यवस्था है? स्कूल भी अच्छा है। अच्छा, और नाली भी बनवाए हैं, खड़ंजा भी सही करवाए हैं, गलियारा गाँव विकास हुआ अच्छा हुआ है जी, तालाब भी खुदवाए हैं। अच्छा, लाइटें भी सही करवाए हैं, अच्छा विकास हुआ। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या किसका क्षेत्र में ज़्यादा वर्चस्व है? संदीप भैया का। अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा काम करवाए, अच्छा विकास हुआ। अच्छा, विकास अच्छा हुआ। अच्छा, तो इस बार गांव की जनता किसके साथ है? हमारे हिसाब से तो संदीप भैया के हिसाब से। अच्छा, निश्चित तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं जिसको चलते इस बार भी वो संदीप यादव की माता जी को समर्थन दे रहे हैं और उनका ये मानना है कि अगर इस बार भी वो प्रधान होते हैं तो यकीनन गांव की तस्वीर बदलेगी। और भी ग्रामीण मौजूद है, क्या नाम है चाचा आपका? मैं हरिलाल यादव जी, ग्राम सिपहिया जी का रहने वाला हूँ। हाँ, गाँव में बढ़िया विकास कार्य कराया गया है जी, नाली, खड़ंजा, शौचालय। कितना संतुष्ट है 5 साल के कार्यकाल से? बहुत बढ़िया सा, 100%। कितने नंबर देंगे इनके 5 साल के कार्यकाल? 100 नंबर दे देंगे। 100 नंबर जी। इस बार क्या क्षेत्र में लग रहा है, क्या वर्चस्व? इस बार क्षेत्र में बढ़िया वर्चस्व, बढ़िया काम किया है, लोगों से बढ़िया बात की है जी, लैट्रिन बनवाई गई है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनावी माहौल क्या लग रहा है? इस बार चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है जी, गाँव की जनता का जी, और सभी वोटरों का समर्थन प्राप्त है, सबका अच्छा प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है जी, क्योंकि जो कॉलोनी भी गरीबों को दी गई है, अच्छी रोडें बनवाई गई, इंटरलॉकिंग कराया गया है हाँ। जैसे हमारा गुरगुज है, जदयपुरवा है, बिहार नगर है, सिपहिया है, वहाँ पे
इंटरलॉकिंग का कार्य बढ़िया कराया गया है, जिससे जनता वो इंटरलॉकिंग को देख करके बहुत ही संतुष्ट है। अच्छा, और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है भाई साहब? अशोक यादव। कहाँ के रहने वाले हैं अशोक जी? जदयपुरवा जी। क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी वर्चस्व लग रहा है क्षेत्र में? जो क्षेत्र में संदीप भैया का है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे काम कराए गए हैं। हाँ, संदीप भैया के द्वारा। अच्छा, इसलिए पूरी जनता उनके साथ है। क्या काम कराए गए अच्छे कामों में? नाली, खड़ंजा, लेट्रीन, यही सब सारे काम कराए गए। गरीबों को ध्यान देते हैं, लोगों की समस्या सुलझाते भी हैं। हाँ, तो इस बार दोबारा फिर क्या जनता चाहती है? दोबारा जनता यही चाहती है कि यही बने। संदीप भैया क्या निशान है चुनाव? कार, कार, कार है। तो इस बार क्या लग रहा है, कार चलेगी? हाँ, कार बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी। तो निश्चित तौर पे ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिला हुआ है जो संदीप यादव है। ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र के अंदर काफ़ी विकास हुए हैं, चाहे जिस पंचायत की हम बात करें वहाँ पर विकास कराया गया है और हर वर्ग के लिए विकास कराया गया है। तो ऐसे में ग्रामीणों का पूरा समर्थन मिला हुआ है और अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि किसकी जीत होती है। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रहे। देवा ब्लॉक के सिपहिया ग्राम पंचायत से प्रधान रहे संदीप भैया, उस पिंकू भैया के नाम से जाने जाते हैं, और इस बार अपनी माता जी को सिपहिया से चुनाव लड़ा रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में संदीप जी ने कितना विकास किया है ग्राम पंचायत के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई आपका। प्रेम भाई, सबको धन्यवाद ग्राम सभा को, जनताओं को। क्या विकास कार्य रहे हैं, आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं 5 साल में? 5 साल में हमारी उपलब्धियां रही हैं ग्राम पंचायत में विभिन्न नालियां जी, इंटरलॉकिंग जी, खड़ंजा, प्रधानमंत्री आवास जी, लोहिया आवास जी, और प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत कई चीज़ें जी, जैसे कि आपकी बेंच और टीन सेट। संदीप जी, 5 साल में एक स्वच्छ भारत मिशन एक केंद्र सरकार की योजना थी, कितने शौचालय आपने बनवाए? हमारी ग्राम पंचायत में जो है जी 429 शौचालय जी बने हुए हैं जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने लोगों को लाभ मिला? हमारी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास जो है लगभग 50 बने हैं। 50 जी। 2 लोहिया आवास बने हुए हैं। 2 लोहिया। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, माता जी को चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं आप? हमेशा आपके पिताजी भी प्रधान रहे हैं और फिर आपने ये कमान संभाली, इस बार माता जी को, तो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? विकास के रास्ते पे चलना है, विकास किया, विकास आगे करने के उद्देश्य में जी। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट नहीं है जी, जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा प्लांट नहीं है, जिससे हम सुचारू रूप से जी स्ट्रीट लाइट के तहत जो है ग्राम पंचायत में करें जी। कुछ नालियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं ग्राम पंचायत में, उसको आगे सुचारू रूप से ढक दिया जाए, जो गंदगी हमारे ग्राम पंचायत में जी ना हो पाए जी। विद्यालय के तहत जो हमारे ग्राम पंचायत विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सिपहिया है जी, उसमें हमने अपनी तरफ से कई काम कराए हैं जी। वृक्षारोपण भी कराए हैं जी, इंटरलॉकिंग किए जी, आपका जो है रूम का जो है बिल्कुल जो है खाना टाइल्स भी लगवाए हैं जी, बेंच भी दिए हैं जी, और जो सुविधाएँ नहीं जैसे सीसीटीवी कैमरा है जी, कंप्यूटर साइट का है वो अपने, अगर दोबारा मैं प्रधान हमारी माता जी बनती हैं तो कंप्यूटर तहत ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसके तहत हम अपना अपने स्तर से अपने काम करेंगे जी। और बहुत सारी गांव के अंदर समस्याएं रहती हैं, आप 5 साल से प्रधान थे, निरंतर आप जनता के बीच में बने रहे, और इस बार क्या परिवर्तन आएगा सिपहिया के अंदर? क्या जो रोडें अधूरी हैं क्या उनको किस तरीके से पूरा करेंगे? इसको दोबारा माता जी प्रधान होती हैं तो सुचारू रूप से पूरा किया जाएगा जी। पिछले साल प्रधान जी कोरोना काल था, आपने क्या उपलब्धियाँ अपनी वहाँ क्या क्या चीज़ें व्यवस्था करवाई? राशन की व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में कराऊँ, जो गरीब आदमी है, सब्जी है, दाल है जी, वैसे हमने जो है जी, जो और चीज़ साबुन था, तेल था, जो जैसी सुविधाएँ थी उसको हमने देने के उद्देश्य में उनके पास पहुँचे, उनको दिए जी। इस बार कई प्रत्याशी हैं, क्या आपके सामने चुनौती नहीं है, क्योंकि आप तो पूर्व में प्रधान रहे हैं लेकिन इस बार माता जी लड़ रहे हैं, चुनौती उसको कैसे देखते हैं आप? चुनौती वही विकास के रास्ते पे जी, और
विकास के हिसाब से हमने पैसे विधवा पेंशन है जी लगभग कितने लोगों को विधवा पेंशन आपने हमने विधवा पेंशन लगभग 160 लोगों को दी 160 पारिवारिक सहायता भी हमने कम से कम 50 लोगों को दी जी शादी अनुदान लगभग 70 लोगों को दिए जी और हमारे चैनल के माध्यम से क्या ग्रामीणों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे चुनाव निशान आपका क्या है हमारा माता जी का चुनाव निशान है कार जी क्या ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीणों से अपील यही करेंगे कि हमारे माता जी को चुनाव निशान कार पर मोहर लगा के जी और विजय बनाने जी तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सिपहिया ग्राम पंचायत के प्रधान इस बार अपनी माता जी को ये चुनाव लड़ा रहे हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास के रास्ते पे चलेंगे और गांव में विकास किया है विकास आगे भी करेंगे जैसे अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को थोड़ा सा हाईटेक करने के प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी गांव के अंदर जो भी कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ फिलहाल इतना ही हम फिर हाजिर होंगे एक नई पड़ताल के साथ तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी देश प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार सड़कों पर फेल सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं शमशानों पर लगी लंबी कतार रहे सतर्क कोरोना के वार पर करे पलटवार लगाए मास्क और तोड़े कोरोना की दीवार प्राइम टीवी आप सभी से अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें प्राइम टीवी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है